ऑल राइट सर, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? IIM रोहतक यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने IPM कोर्स के लिए अपनी डेट्स अनाउंस कर दी है कि कब एग्जाम होने वाला है। सो मुझे लगा कि सिर्फ डेट्स बताने की बजाय अगर मैं आपको डेट के साथ साथ सारा प्रोसीजर बता दूं कि किस तरह से एडमिशन होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज हम ब्रीफ में ही बताऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं बताऊंगा। सो आज हम ब्रीफ में बात करने वाले हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरह से सब होने वाला है। सो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि IPM का क्या मतलब है। सो IPM का मतलब है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो कि एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। जिस तरह से BA LLB होती है, BCom LLB होती है 5 साल की, तो उसी तरह से कुछ IIMs, सारे नहीं, कुछ IIMs जो हैं वो इंटीग्रेटेड कोर्स करवाते हैं BBA+MBA का, जिसके अंदर IIM रोहतक भी आता है। और ये जो कोर्स है ये आप 12th क्लास के बाद कर सकते हैं, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर 3 साल आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ाया जाएगा BBA और 2 साल आपको पढ़ाई जाएगी MBA। सो इस तरह से पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। सो आज ही IIM रोहतक ने अपनी डेट्स अनाउंस कर दी है IPM के लिए। उससे पहले हम बात करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है, अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्या आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। सो 12th और 10th क्लास के अंदर आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। आई होप ज़्यादातर स्टूडेंट्स के होते ही हैं। सो 60%, मुझे वो मीम याद आ रहा है यार, सबके नहीं होते लक्ष्मण। ओके सो अगर आप IPM का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपके 10th और 12th क्लास के अंदर 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। अगर आप ST SC हैं तो 55% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए। इसके साथ साथ जो आपकी एज है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 12th क्लास फिलहाल जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आप लिख सकते हैं रिजल्ट अवेटेड। इसके अलावा आपके 10th और 12th दोनों के मार्क्स कैलकुलेट होते हैं इसके अंदर, ये बहुत अलग चीज़ है। आप कहीं भी एडमिशन लेने जाते हैं तो अक्सर 12th क्लास के मार्क्स होते हैं, लेकिन यहां पर आपके 10th और 12th दोनों के मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। सो अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आपका एडमिशन होगा IIM रोहतक के अंदर IPM कोर्स में। सबसे पहली है Stage 1 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो डेट्स आ चुकी हैं, 15 फरवरी 2021 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि आज से ही स्टार्ट होते हैं IIM रोहतक के फॉर्म्स। इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन जो क्लोज होंगे वो होंगे 4th मई 2021 को, यानी कि लगभग आपके पास 2 महीने हैं फॉर्म भरने के लिए। सो आप आराम से भर दो। इसके बाद बात करते हैं कि कितनी फॉर्म की फ़ीस होने वाली है। सो 3,890 रुपीज़ उस फॉर्म की फ़ीस है जो भी आप फॉर्म फिल करने वाले हैं। सबसे पहली Step 1 हो गया, फॉर्म भरना है। अब बात आती है Step 2 की। सो Step 2 में हमारे हमको क्या करना होगा, हमको एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, जो हमारा एडमिट कार्ड आएगा और उसके बाद हमें टेस्ट देने जाना है। उसके अंदर 40 क्वेश्चंस होंगे आपके क्वांटिटेटिव एबिलिटी, 40 क्वेश्चंस आपके होंगे लॉजिकल रीजनिंग, 40 क्वेश्चंस आपके होंगे वर्बल एबिलिटी के। सो इतने आपको क्वेश्चन होने वाले हैं और 120 मिनट आपको मिलने वाली है। सो 120 मिनट आपको मिलेंगे और 120 क्वेश्चंस आपको करने हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की है। अगर आप एक सही जवाब देते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे, अगर एक गलत जवाब देते हैं तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर। सो इसके बाद आती है Stage 3, जो कि है आपका पर्सनल इंटरव्यू, जो कि ऑनलाइन ही होगा। अगर आप Stage 2 क्लियर कर देते हैं तो आपके पास एक वीडियो कॉल आएगी और आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। और पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद जब Step 4 आएगा तो वो होगा आपका फाइनल सिलेक्शन। वो आपकी सिर्फ सिंपल लिस्ट आएगी, आपको कुछ नहीं करना है। वो लिस्ट आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं कि वेटेज क्या होती है। वेटेज मतलब कितनी प्रायोरिटी दी जाती है एंट्रेंस को, आपके 10th 12th के मार्क्स को और पर्सनल इंटरव्यू को। सो एप्टीट्यूड टेस्ट जो आप देंगे उसकी वेटेज आपको मिलती है 45% की, 45% की प्रायोरिटी उसको दी जाती है। पर्सनल इंटरव्यू को दी जाती है प्रायोरिटी 15% की। और जो आपके पास्ट अकेडमिक्स हैं, जैसे कि 10th क्लास में आपने कैसा परफॉर्म किया था, 12th क्लास में आपने कैसा परफॉर्म किया था, उसको दी जाती है 40% की प्रायोरिटी। और इस तरह से 100% की प्रायोरिटी के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है IIM रोहतक के अंदर। सो आई होप मैंने ब्रीफ में बताया, लेकिन आई होप आप समझ चुके हैं कि किस तरह से आपका एडमिशन होगा IIM रोहतक में। सो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर बहुत सारी अपडेट्स अभी आने वाली हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, खासकर मैनेजमेंट को लेकर। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुक्रिया।